नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह टॉपर सबके यूट्यूब चैनल के इस मॉक टेस्ट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस बार दोस्तों हमारे पास है मॉक टेस्ट नंबर 23। तो चलिए जरा देखते हैं कि मॉक टेस्ट नंबर 23 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनका जो सोल्यूशन आपने किया है या साथ साथ जो आप कर रहे हैं उसका सोल्यूशन कैसे आपने देखा है। चलिए कंप्यूटर जी, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, सबसे पहले जल्दी से शुरू करते हैं। और फैमिली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली चार्ट वाला। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताते हैं भाई, क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है ए जो है वो क्या कह रहा है, ए भाई है किसका, बी का। अब देखिए ए तो भाई हो गया बी का, लेकिन अभी ये नहीं पता कि बी इसका भाई है या फिर इसकी बहन है, ठीक है। फिलहाल क्या कह रहा है, सी जो है वो ए की बहन है। कोई बात नहीं भैया, सी ए की बहन है तो सी को हमने बहन बना दिया, माइनस कर दिया किसकी, ए की। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता, स्टिल अभी तक मुझे बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर मुझसे क्या कह रहा है, डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, अभी ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। और फिर मुझसे क्या कह रहा है कि हम डी जो है ई का भाई है, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्या कह रहा है, एफ जो है वो बी की बेटी है, एफ बी की बेटी है, समझिएगा ध्यान से, एफ जो है वो बी की बेटी है। तो हमने एफ को तो फीमेल कर दिया, लेकिन बी का नहीं पता चला कि बी जो है वो एफ का या तो फादर है या फिर इसकी मदर है। फिर मुझसे क्या कह रहा है, अच्छा देखिए, ए का रिलेशन बी के साथ हो गया, फिर कह रहा है सी का रिलेशन ए के साथ हो गया, फिर आपसे कह रहा है डी जो है वो ई का भाई है। डी और ई बिल्कुल अलग अलग पर्सन यहाँ पे आ गए, डी जो है भाई किसका, ई का। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि डी और ई में से, देखिए यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इसको हम नहीं क्लियर कर सकते। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी का अंकल कौन है। देखिए जब डी का रिलेशन यहाँ कहीं कंफर्म है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें कनेक्टिविटी है ही नहीं, जब ये फैमिली चार्ट बन ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सीधा आपको देना है क्या सर, डी। डी का मतलब क्या है, डेटा इनएडिक्वेट है ना, आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक तो इसका आंसर निकालना पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड लगा दीजिए जल्दी से। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल भी नहीं टाइम लॉस करना भाई। कह रहा माइट को क्या लिखा गया है, मैंने कहा था जब भी कभी दिक्कत हो तो आप सिंपल सा फंडा उसके नीचे उसके कोड को लिख दीजिए, ठीक है। सारी कहानी आपकी वहां बन जाए, के जी ई एफ और आर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए एम से के, जैसे आप इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं तो आधा काम आपका यहीं पे आसान हो जाता है, ठीक है। बताइए 13 से 11 सर माइनस 2, 9 से 7 माइनस 2, फिर देखिए माइनस 2 है ना, अगेन माइनस 2 सर, ये माइनस 2 के साथ इसका कोड बन गया। अगला वर्ड क्या था आपका, डायरी। तो चलिए डायरी का बना दीजिए भाई, डी आई ए आर वाई सर, 4 है, 9 है, 1 है, 18 है और 25 है। माइनस 2 करिए, माइनस 2 करने पे 2 आएगा, 2 का मतलब बी। माइनस 2 करिए 7, 7 पे क्या आएगा जी। माइनस 2 करिए, अब देखिए 1 से 2 लीटर पीछे चल रहा है, तो 1 से 2 लीटर पीछे इसका मतलब कि Z और Z से पहले, तो 25 की हम बात करें, 25 का मतलब Y, ठीक है। 18 से 2 लीटर पीछे चलना है 16, 16 का मतलब P, और 25 से 2 लीटर पीछे चलना है 23, 23 का मतलब W, B G Y P W, B G Y P W, देखिए ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, सर आपने ए की रैंकिंग 1 लिखी और 1 में से जब आपने 2 माइनस किया तो 25 कहाँ से आ गया। इस कंसेप्ट जरा समझ लीजिए सभी लोग, कहानी क्वेश्चन की सिर्फ इतनी है, जैसे मान लीजिए ए की जो भी रैंकिंग है या किसी भी लेटर की रैंक में से आपको माइनस करना हो कुछ ज़्यादा की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे ए की रैंकिंग 1 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो माइनस भी चला जाएगा। इसका मतलब ए की रैंकिंग यहाँ पे 1 नहीं होगी, 26 लेटर के बाद जब दोबारा से ए आया, मतलब कितने पे बोलिए, 27 पे, ठीक है। तो ए की रैंकिंग यहाँ पे 27 से जूम करनी पड़ेगी, 1 नहीं। क्यों, क्योंकि जितना लेटर आपको पीछे जाना है वो वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है दी गई उसकी रैंकिंग से, तो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब कि ए की दूसरी वाली जो रैंकिंग 26 लेटर के बाद जब दोबारा से आएगा उसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 25 दिखेगा, 25 का मतलब वाई। या अगर आप सीधा देखते हैं ए से लेकर जेड तक आपने जो लिखा होगा, अगर आप डिफरेंस वहां पर देखते हैं कितने लेटर पीछे है, तो भी आपको ए से 2 लेटर पीछे चलना है, तो ए से पहले जेड और उससे पहले वाई, दोनों ही कंसेप्ट है, दोनों से जैसे मर्जी आप चाहें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही था सभी का आंसर। चलिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है आपके सामने। सर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है 5 है, 4 है, 8 है और नीचे लिखा हुआ है 160, ठीक है। फिर उसका देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 है, 8 है, 6 है, फिर लिखा हुआ है 336। उसी तरीके से 9 लिखा है, 2 लिखा है, ब्लैंक है और फिर लिखा हुआ है 108, ठीक है। अब देखिए
मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है क्या कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ही आपको बढ़ना है, ये तो आपको पता चल गया। तो देखिए तीन छोटे नंबर आपको इधर दिए गए, फिर एक बड़ा नंबर है ना, याद आया? फिर देखिए तीन छोटे नंबर, फिर एक बड़ा नंबर, फिर तीन छोटे नंबर, फिर एक बड़ा नंबर, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 548 को ऐसा क्या करिए कि 160, सर सबको ऐड करके तो नहीं आएगा, लेकिन हम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 54 हो गया 20, 20 इंटू 8 किया तो 160 आ गया। उसी तरीके से 7856, 56 में 6 को मल्टीप्लाई किया 336 आ गया। उसी तरीके से 9 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 108, है ना, इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 9 इंटू 2 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 108, है ना, तो 9 टू 18, 18 6 है ना 108, ठीक है, 6 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन चौथा। अच्छा ये तो ओरल बन जाएगा, हमसे कह रहा कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, देखिए माउस चेक करिए एम ओ यू एस ई, सर ये बन सकता है। सोबर देखिए एस ओ बी ई आर, सोबर ही बन रहा है। मर्सी देखिए एम ई आर सी वाई, देखिए यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरल क्वेश्चन बन गया। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन का देखिए क्वेश्चन आया, हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हम कौन सा सिंबल फिल कर दें जिसके बिहाफ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका बन जाए कितना 390। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 70 है, ब्लैंक है, 7 है, फिर उसके बाद 113 है, और फिर उसके बाद 13 है, जिसकी वैल्यू आपको आगे देगी कितनी 390, है ना। तो चलिए चेक करते जल्दी फटाफट, कह रहा पहला ऑप्शन कह रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देखिए प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। अब जो समझिएगा ध्यान से भाई, यहाँ पे 70 और 7, ये तो आपका 77 हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन जब 113 में देखिए आप 13 से मल्टीप्लाई करें, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो पहुँचेगी, देखिए पहुँच जाएगी आपके करीब 13 39, है ना, 13 कम 13 16, ठीक है, 13 कम 13 और 14, है ना। देखिए ये जाहिर सी बात है वैल्यू आपकी 1000 से ऊपर पहुँच गई, अब इसके बाद जितना भी यहाँ प्लस माइनस आप जो मर्जी कर लिए 390 तो भी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब आपको इसको इतने पे ही रोक देना था, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, थी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे जरा आ जाइए, बी ऑप्शन क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। अब देखिए पहले क्या करते हैं, याद करिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी वैल्यू आ गई 490 प्लस 113 माइनस 30। अब देखिए आप इसका एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो 490 और 113, कहीं ना कहीं 600 के आसपास वैल्यू पहुंचेगी, 600 में से जब 13 ही हम माइनस करेंगे कभी 390 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पे आ जाइए भाई जल्दी से, सी अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर डी तो हो ही जाएगा। पहले मल्टीप्लाई लिखा हुआ, मल्टीप्लाई के बाद फिर डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड के बाद फिर माइनस लिखा, पहले क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। अब जरा समझिएगा ध्यान से भाई, 17 इंटू जब 7 को 113 से आप भाग देंगे तो डिवाइड तो होने से रहा है ना। अब देखिए जब डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसकी कोशिश करते हैं कि 113 जो है वो डिनोमेटर जो हो कैंसिल हो जाए, इसके अगल बगल में कहीं मल्टीप्लाई हो और जिससे इसका डिनोमेटर कैंसिल हो जाएगा, इसका जो हर है अगर वो कैंसिल हो जाएगा तभी इसकी वैल्यू आपकी होल यहाँ पे नंबर जो दिखा हुआ है वही यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे 70 है जो इसके डिनोमेटर कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसका आंसर सी भी नहीं होगा। तो क्लियर हो गया सर, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रॉस चेक करना तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अदरवाइज जब तीन नहीं हुए तो चौथा तो इसमें होना ही होना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, देखिए मल्टीप्लाई माइनस प्लस, मल्टीप्लाई माइनस और प्लस, है ना। तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 490 माइनस 113 प्लस 13। अब इसका एडिशन आप करते हैं तो इसमें 13 को पहले ऐड कर दीजिए, 3 हो गया, 9 एक 10 हो गया, ठीक है, 4 और 5 503 में से 113 आप माइनस कर दीजिए, 093, ठीक है। तो क्रॉस चेक वैसे हो गया, नहीं तो अगर तीन ऑप्शन अगर आपके नहीं होते तो चौथा तो इसका आंसर होना ही होना। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए भैया, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज स्पीड कम आ रही भाई आप लोगों की, बाकी लोग कहाँ हैं जल्दी से बुला लीजिए उनको भी। क्या करें, रमेश जो है वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर जाता है। लो भैया रमेश जो है वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ से वो राइट टर्न करता है 3 किलोमीटर जाता है, राइट किधर होगा उसका, नॉर्थ तरफ होगा, लीजिए 3 किलोमीटर इधर चलेगा, ठीक है। फिर मुझसे क्या करें, वहाँ से फिर से राइट टर्न करता है और 2 किलोमीटर जाता है, राइट आपका होगा ईस्ट की तरफ, अगर ये भी 2 किलोमीटर, इसके पहले में भी लाइन 2 किलोमीटर की ही है तो जाहिर सी बात है कि उसका फेस अभी फिलहाल के लिए ईस्ट की तरफ हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से क्या करें, वहाँ से फिर से राइट टर्न करता है, कह रहा है कि वो सम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्टेंस बोला हुआ है, मीटर वोटर ऐसा कुछ नहीं बोला, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर गए। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बताइए उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, बोलिए उसका फेस किधर है, साउथ में है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर
साउथ देख किसमें लिखा सर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो सिक्स का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था सभी का, ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना भाई। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन सातवां, ये तो ओरल बन जाएगा। क्या कह रहा है, वेल है मैमल्स है ना, वेल किस स्पीसीज का है, मैमल्स किस स्पीसीज का है, उसका टर्टल, टर्टल क्या है, ओविपोरस है ना, तो इसका मतलब सेवन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कछुआ अंडे देता है इसलिए उसको हम अंडे धारी कहते हैं या फिर अंडोत्पन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका जो सेवन का होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमें बताना है यहाँ कौन सा लेटर आएगा। एनलॉगी का क्वेश्चन है, एनलॉगी में भी ये है क्वेश्चन अल्फाबेट एनलॉगी का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखिए, सी है ना, सी के बाद आई लिखा हुआ है, आई के बाद डी लिखा हुआ है, लेकिन बताना है आपको इसकी रैंकिंग तीन है, इसकी रैंकिंग नौ, बताइए कितने का डिफरेंस है। सर छः का डिफरेंस है ना, तो बताइए यहाँ पे चार है, चार और छः करेंगे तो कितना आएगा, दस आएगा है ना, तो दस पे कौन सा लेटर आता है, जे आना चाहिए, लेकिन देखिए जे यहाँ किसी ऑप्शन नहीं है। दूसरा तरीका लगा दीजिए सर, थ्री का ट्रिपल कर दिया, देखिए तीन का तीन गुना किया नौ आ गया, चार का तीन गुना करिए बारह, बारह का मतलब देखिए एल है क्या ऑप्शन में, एल ऑप्शन में है, तो लो भैया यही इसका आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए। तो क्वेश्चन नंबर आठवां जिसका आंसर ए है, क्या सभी का ही आंसर आया था, चलिए अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर नाइन तरफ मूव करते हैं। नौवां क्वेश्चन लीजिए, नंबर एनलॉगी का क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है आपसे, 27 है उसके बाद 3 है और फिर उसके बाद 873 है और नेक्स्ट आपको पता करना है। आपको एक चीज़ याद होगी, कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि जब भी कभी बड़े नंबर से छोटा नंबर आए, या तो ये माइनस करके आ सकता है, तो डिवाइड करके आ सकता है, तो स्क्वायर रूट करके आ सकता है, तो क्यूब रूट करके आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप जो तरीका आपको बताया गया था उसके भी आप हमने देखा, तो 27 से 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सर कितने से डिवाइड किया गया, सर 9 से डिवाइड कर दिया है ना, तो 9 एक कॉमन नंबर है, 27 को 9 से डिवाइड किया 3 आ गया। अगर 873 को 9 से डिवाइड करने पे अगर आपका आंसर बन गया तो कहानी बन गई। तो देखिए भाई 9 9 जा हो गया 81, 6 9 6 9 7 जा 63, क्या 97 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऐसा, इसका मतलब 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे लग गया, एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97। किसमें लिखा, बी में लिखा है, 97 का बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो ऑड वन आउट पता करना है, कंटेंट दिया है, कंटेंट देखिए बुक का पार्ट है, बिब्लियोग्राफी वो भी बुक का पार्ट है। ठीक है, प्रीफेस जो दिया था, प्रस्तावना दिया है वो भी देखिए बुक का ही पार्ट है, लेकिन प्रेस जो है बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, बुक के ही सारे सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सी जो इसका आंसर दिया गया 10 का सी, वो उस पर्टिकुलर बुक के पार्ट में से अलग है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 11वां, अच्छा देखिए इसे पता करना है कि अच्छा ये ईयर देखे दिया गया है, 1876 दिया गया, 1984 दिया गया है, 2024 दिया गया, 2014 लिखा है। मेरा आंसर बन चुका है क्योंकि ये ईयर जो दिए गए हैं उस पर चेक करें सभी लोग। सर ऑप्शन नंबर जो ए है वो है कौन सा ईयर, देखिए लीप ईयर, याद आया कि ऐसे ईयर जिसको 4 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं, याद आया कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 1876 देखिए ऐसा है, 1984 भी देखिए 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 2024 भी पूरी तरह से डिविजिबल है 4 से, लेकिन 2014 है ना भैया, 2014 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जनरल ईयर है, तो इसका मतलब 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये भी देखिए सेम कहानी चल रही है सर, 3 का स्क्वायर चल रहा है 9 है, सही बात है भैया, 5 का स्क्वायर 25, ये भी सही है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, सर ये तो सारे के सारे स्क्वायर ही है ना, तो कहानी क्या है सर, ऑप्शन नंबर देखिए ए बी और सी जो दिया गया है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सारे सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं, लेकिन अगला जो दिया गया 8 का स्क्वायर वो इवन नंबर का स्क्वायर है, इसलिए 3 आपके प्राइम नंबर के स्क्वायर है, या ऑड इवन भी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं इसमें कि 3 ऑड नंबर का स्क्वायर है और जो लास्ट ऑप्शन है वो इवन नंबर का स्क्वायर, इसलिए इसका जो आंसर होगा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही था सभी का, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, आज तो क्वेश्चन मजेदार है भाई, मजा आ रहा है ना, आइए देख क्या क्या दिया गया लिखा हुआ है भैया, पहला ऑप्शन इसमें भी पता करना है कौन सा अलग है, क्या लिखा हुआ है DHF, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, सबका आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का, KOM, फिर लिखा हुआ है RVT और फाइनली लिखा हुआ है WY और X। ठीक है, तो देखिए D के बाद EF है ना +2 और F के बाद GH,
मतलब पहले नंबर से तीसरा नंबर बना दिया, अगर पहले लेटर से तीसरा लेटर आया प्लस टू करके और तीसरे से दूसरा आया प्लस टू करके, तो पहले प्लस टू किया तो ये नंबर आया, फिर प्लस टू किया तो ये नंबर आया। देखिए क्या है कंसेप्ट, सब पे काम कर रहा है क्या सर? के बाद एल एम सही है, एम के बाद एन ओ, ऑल्टरनेट लेटर सब में चल रहा है। यहाँ देखिए आर से एस टी हुआ और टी से यू वी हो गया है ना। यहाँ देखिए डब्ल्यू से क्या होना चाहिए, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई, वाई यहाँ होना चाहिए तब जाके यहाँ प्लस टू करके बनता है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का आंसर मेरे पास आ चुका है डी, और होपफुली सबका यही रहा होगा। तो चलिए कंप्यूटर जी इसी दरख्वास्त पे लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अल्फाबेट टेस्ट का देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने, डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है, और डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है तो सबका आंसर जल्दी से बताइए क्या आएगा। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ सबसे बेसिक वाले अप्रोच से, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम अभी आज ऑनलाइन दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो उनके लिए कहानी जो स्टार्टिंग की बताई गई थी कि बेसिक तरीके से आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। लीजिए भैया फीस्ट के बाद लास्ट दिया गया फ्रॉड, तो देखिए सारे के सारे एफ से शुरू हो रहे, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, ये आई से शुरू हुआ, ये ए से शुरू हुआ, ये एल से, ये ई से, आर से, है ना। देखिए इसी प्लेस पे सारे सारे लेटर पता चल जाएंगे। बताइए पहले पे कौन आएगा सर? पहले पे आ जाएगा ए, ए के बाद फिर कौन आएगा सर? ई आ जाएगा, ये आ गया सेकेंड पे। फिर उसका देखिए आई है, आई आ जाएगा थर्ड पे। फिर उसके बाद बताइए क्या आएगा? एल आएगा, एल आपका हो गया फोर्थ पे। जब किसी प्लेस पे लेटर आपके सेम हो तो आप उसको नेक्स्ट प्लेस से पता करते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए बी सी डी लिखा था, अच्छा 1 2 3 4 लिखा था, तो पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा, बताइए फर्स्ट वाला वर्ड तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे कौन सा है सर? 3 वाला है, और पांचवें नंबर पे 5 वाला, ठीक है। तो 2 4 1 3 5 चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, 2 4 1 3 5 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही था सभी का सबसे बेसिक अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कभी भी इससे क्वेश्चन आपका कभी डिफर नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 15वां देखा जाए भाई क्या कह रहा है। रैंकिंग का देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने, और रैंकिंग का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताया जाता है कि एक फार्मूला आपको बताया जाता है क्या, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन का, है ना। तो ये फार्मूला कब अप्लाई करता है? जब कहते हैं किसी भी रो में एक पर्सन के बारे में आपको दोनों एंड से जिक्र किया जाए और टोटल नंबर ऑफ पर्सन या तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे के टी एल आर में से कोई भी दो फिगर हो और रेस्ट फिगर आपसे पूछी जाएगी, तो आसानी से आप इसी फंडे से अपना आंसर निकालते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है कि टोटल पहले से ही आपको दे दिया कि टोटल कितने हैं, 28 है, ठीक है, और उसके साथ साथ कपिल की जो पोजिशन है वो स्टार्टिंग से बता रहा है कि कितनी पे दे दी गई, बोलिए स्टार्टिंग से 8th पे, है ना। तो आपको बताना है कि राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है, अंत से इसका स्थान क्या होगा। तो टोटल जगह हमने 28 लिख दिया, कपिल की पोजीशन लेफ्ट से स्टार्टिंग से 8th है तो हमने 8 लिख दिया, आर की जगह पे आर लिख दिया, और उसका इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए आपका इस 8 में 7 माइनस के 7 आ गया, तो राइट से जो इसकी पोजीशन होगी 28 में से 7 माइनस कर दीजिए सर, 21वीं इसकी पोजीशन होगी। और 21वीं देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था सभी का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, फार्मूले के अप्लाई करने से ही आप इस क्वेश्चन की तह तक पहुंच सकते हैं। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन 16वां लगा दीजिए, 16वां क्या कह रहा है। अच्छा सीरीज का देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने, और देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन क्या शो कर रहा है। कह रहा है भैया ए लिखा है, ए के बाद सी लिखा हुआ है, सी के बाद एफ लिखा हुआ है, एफ के बाद के लिखा हुआ है, और के बाद नेक्स्ट आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पता करते हैं, रैंकिंग पहले लिख दिया जाए सर, 1 है 3 है 6 है 11 है, बताइए कितने का डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस। यहाँ कितने का सर? 3 का। यहाँ पे कितने का? 5 का। बताइए 2 का 3 का 5 का, इससे कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये प्राइम नंबर के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। बोलिए पहले 2 है पहला प्राइम नंबर, 2 का अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 का अगला प्राइम नंबर 5 है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वो खुद दूसरा 1, है ना, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। 5 का अगला प्राइम क्या होगा बताइए? सर 7 होगा, है ना। तो 11 7 कितना हुआ? 18। 18 का मतलब क्या होगा? आर। क्या देखिए आर ऑप्शन में दिया गया क्या? सर बिल्कुल दिया गया, 16 का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, अल्फा वर्टिकल का क्वेश्चन आया, या इसको हम कंसेक्यूटिव पैटर्न सीरीज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिख रहा है मुझे, ए लिखा है, ए के बाद डैश लगा के सी है, सी ए के बाद ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है बी सी ए बी लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद डैश लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है सी ए बी, और फिर उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है सी। यही था भैया। अब देखिए सीरीज को पहले ऑब्जर्व करिए, मैंने कहा था इसमें ऑब्जर्वेशन का तरीका जो होता है वो सबसे कारगर है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
अगर हम देखें तो इसमें प्लेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए 15 है तो जाहिर सी बात इसको तीन तीन का फैक्टर आपको करना है, ठीक है। तो तीन तीन के पांच पेयर यहाँ बनने चाहिए। अगर हम इस कंसेप्ट पे लेके चले तो तीन का, अगर जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पेयर डिसाइड करें तो देखिए इसमें ए बी है, बी बी है, सी बी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन फिर जब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए आ चुका है, बी आ चुका है, यहाँ किसकी बारी है, यहाँ बारी है सी की, है ना। फिर इसका देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, सी ए बी आ चुका है। पहले ए बी सी आया, फिर ए सी बी आया, फिर सी ए बी आ गया। फिर देखिए अब यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए, सर सी ए आ रहा, तो सी ए कहीं ना कहीं रिपीट करना चाहिए। सर सी ए रिपीट कर रहा है लेकिन ग्रुप के अंदर रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि तीन तीन के साथ यहाँ फैक्टर नहीं बनेगा। फैक्टर क्या बनेगा, सर पहला हो गया ए बी सी का, ठीक है। फिर देखिए ए से लेके सी तक का ग्रुप बन रहा है, यहाँ देखिए ए से लेके सी तक का ग्रुप बनेगा, तो इसमें तीन है तो इसमें कितने जाएंगे, चार। फिर देखिए ए से लेके सी तक का फिर से ग्रुप, फिर देखिए ए से लेके सी तक का ग्रुप, मतलब पहले क्या हुआ, पहले हुआ ए बी सी, फिर क्या आ जाएगा बताइए, डबल ए बी सी। फिर किसकी बारी आ जाएगी डबल होने की, सर बी की बारी आ जाएगी। तो पहले ए बी सी सब एक एक बार था, फिर उसका ए रिपीट किया तो डबल ए बी सी आ गया, फिर बी रिपीट किया तो ए डबल बी सी आ गया, फिर किसकी बारी है बताइए, सी की। तो इसका क्या होना चाहिए, ए बी यहाँ होना चाहिए डबल सी। तो देखिए आपको ऑप्शन यहाँ मिलना चाहिए बी ए बी सी। अगर किसी ऑप्शन में बी ए बी सी लिखा हुआ है इसका मतलब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 देखिए लिखा हुआ है, 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें लिखा हुआ है बी ए बी सी, तो इसका 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जब भी कभी अल्फाबेटिकल आए तो उसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, पहला तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड, लेकिन फैक्टर अभी हम कर रहे थे आगे तो वहाँ कंडीशन थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा 19-20 है, तो हमने क्या कि इसको इमेजिनेशन देखा कि ऑब्जर्वेशन किया कि ए से लेके सी तक की सीरीज है, तो उसमें हमने देखा कि सीरीज एक के बाद एक बढ़ती चली आ रही है, जिसके बिहाव पे आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कमेंट जी अगला क्वेश्चन 18वां लगा दीजिए। 18 क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन की डिजिट तो बहुत बड़ी बड़ी है। ये है भैया आपका डेरी मिल्क वाला क्वेश्चन, ये तो बनता है डेरी मिल्क वाला। लीजिए 49। 24 से देखिए 39 हो गया, 39 से बहुत बड़ा नंबर एक आ गया, 525 आ गया, 525 749 आ गया, अगला नंबर आपको पता करना है, ज्यादा ध्यान दीजिए। तो यहां पे कुछ है नहीं, प्राइम नंबर के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है, वो भी पहला डिजिट देखिए 2 है, 2 से 3 हो गया याद आया, और 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया। तो 7 का अगला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, सर 11 होता है, है ना। तो अब याद देखिए ध्यान से, अब ये नंबर ये कैसे आ रहा है, अब ये तो आपका बन गया होगा, याद आया कैसे, सर जिस नंबर जो ग्रुप का पहला डिजिट है उसी का स्क्वायर नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 11 का स्क्वायर कितना, सर 121। देखिए क्या कहीं लिखा हुआ है 111121, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजेदार क्वेश्चन था ना। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी नेक्स्ट, ये तो शायद सिलॉग होना चाहिए, इसका नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी बहुत तेज है भैया, मेरे बोलने से पहले स्लाइड देखिए लगा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हार्ड वर्क इज अ पुहार, अच्छा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन, एआर का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से कोई पढ़ेंगे क्या कह रहा है, हार्ड वर्क इज अ पुअर मैंस वेल्थ, ठीक है, परिश्रम जो है वो निर्धन का धन उसी को माना जाता है, ये कह रहा है आपका स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन मतलब क्या है, जो निष्कर्ष जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेटमेंट हो आपको उसी को पहले पकड़ना है। क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन है कि अ पुअर मैन इज ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति हमेशा परिश्रमी होता है, हमेशा मतलब कि सारे निर्धन व्यक्ति को परिश्रम बोल रहा है, तो ऑल का मतलब कि पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत, कि सारे लोग हमेशा परिश्रमी होते हैं ये कोई जरूरी नहीं, सारे लोग नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं। अब यहाँ क्या करें, निर्धन व्यक्ति हमेशा परिश्रमी ही होता है, ठीक है, तो हमेशा मतलब कि सारे सारे लोग जो भी निर्धन है वो सारे परिश्रमी होते हैं, सारे लोगों को लेकर अगर कभी भी कंक्लूजन किया जाएगा तो वो चीज हमेशा गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पुअर मैन अर्न्स वेल्थ थ्रू हिज हार्ड वर्क, ठीक है, क्या करें, निर्धन व्यक्ति हमेशा अपने परिश्रम धन कमाता है, यहाँ कहीं धन की बात की गई है क्या, नहीं, यहाँ सिर्फ ये बोला कि परिश्रम निर्धन का धन है, उससे धन वो कमाता नहीं कमाता, ये तो फिर आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कहीं गिवन ही नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब दूसरा आपका इसलिए गलत। तीसरा क्या कह रहा है, अ वेल्दी मैन इज ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, कह रहे धनी व्यक्ति हमेशा परिश्रमी होता है, हमेशा बोल के फिर से देखिए यहाँ पर गलत कर दिया गया। चौथा क्या कह रहा है कि अ पुअर मैन, चौथा देखिए क्या कह रहा है, पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ
इफ ही इज अ हार्ड वर्कर, कह रहा है निर्धन व्यक्ति यदि परिश्रमी हो, कंडीशन लगाएगी कि यदि वो परिश्रमी होगा तो वह धन कमा सकता है। वो परिश्रमी है या नहीं ये कंफर्म नहीं था, लेकिन ये कंडीशन कह रहा है कि यदि परिश्रमी हो तो धन कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, कमेटी जरा ऑप्शन दिखाइए, इसके बाद देखिए कहीं लिखा हुआ कंक्लूजन फोर फॉलोज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है। इस टेस्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों का गलत आया है, बट होपफुली जो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन से वो कहानी आपकी बनी हुई। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए, हमें इसका वेन डायग्राम बताना है। कह रहा है पल्स लिखा हुआ है, पल्सेस के साथ रेड ग्राम लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा मूंग दाल है ना। कह रहा दालें हैं, अरहर है, मूंग दाल है। बोलिए भैया अरहर क्या है, दाल है। बोलिए तो लो भैया ये हो गई अरहर और ये हो गई भैया मूंग दाल और ये सारे के सारे क्या है, दालें हैं। ठीक है, या रेड ग्रीन था, रेड ग्राम है। ठीक है, रेड ग्राम हो गया, मूंग दाल हो गया और ये सारे के सारे क्या है, पल्स है। ठीक है, तो सारे के सारे जो अरहर है वो क्या है, दालें हैं। सारे के सारे मूंग दाल जो क्या है, वो भी दाल के अंदर, लेकिन लेकिन अरहर की दाल और मूंग की दाल का आपस में नो कैलेशन, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल सही आंसर आया, जिनका नहीं आया है होपफुली अब उनको समझ में आ चुका होगा। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 21वां याद दिखा दीजिए क्या है। अच्छा, इम्बेडेड फिगर खोजना है, कौन सा फिगर आपका बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन शो करता है। या देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सर मुझे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका 21 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका भी यही है, बोलिए। ओरल डिस्कशन है ना, बिल्कुल भी बिना पेन चलाए हुए कहेंगे सर प्लस में ही देखिए। अगर वैसे समझना हो तो देख लीजिए जैसे लिखा हुआ ना प्लस, तो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है कुछ स्वास्थ्य का चिन्ह, देखिए यहाँ से है ना, ये कहानी इधर से आ रही है, ये कहानी इधर से आ रही है ना। तो एग्जैक्टली विजिबल फिगर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले कंप्यूटर जी 22वां क्वेश्चन, आज तो मजा आ गया भाई, बड़ी जल्दी जल्दी बन रहा है। अच्छा, मिरर इमेज बतानी है भाई। मिरर इमेज में याद होगा आपको क्या बताया गया था, लेफ्ट वाला फिगर राइट में चला जाएगा, राइट वाला फिगर लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन जो टॉप में होगा वो टॉप पे ही रह जाएगा और जो बॉटम पे है वो बॉटम पे रह जाएगा। ठीक है, इंड्योरेंस लिखा हुआ है, देखिए वैसे आपका बन चुका है आंसर, कई क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब मिरर इमेज की बात करते हैं मैंने कहा था कि जो मिरर के जितना पास लेटर होगा रिफ्लेक्शन में भी पास होगा, जो मिरर से जितना दूर होगा वो उतना ही दूर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला लेटर जो होगा वो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ENDURANCE। ठीक है, अभी इस ऑप्शन को आपको देखना है कि ये ऑप्शन आपको किसमें दिया गया है। देखिए चेक करिए ENDURAN, N देखिए फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा बना हुआ है, ठीक है जैसे मेरा बना उस तरह से नहीं है। सेकंड ऑप्शन में भी N की पोजीशन सही आप क्लियर कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए ENDU, U की पोजीशन देखिए ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वाटर में बनाया हुआ। इसका मतलब किसका जो आंसर होगा 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 23, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। क्या बात है यार, इस बार के पेपर में तो मजा आया है ना, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन भी थे, थोड़े से इजी क्वेश्चन भी थे, सारा मिला के बेहतरीन पैटर्न हमें मिला है इस बार के मॉक टेस्ट में। और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए भाई सभी लोग। एक पेपर है, एक पेपर को एक स्क्वायर शेप में पेपर था आपका, डॉटेड पार्ट यहाँ से दिया गया, इसका मतलब पेपर आपका यहीं से फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, और फोल्ड करके जो अंदर पार्ट बना उसमें कुछ जो फिगर बनी हुई है वो कुछ ये देखिए इस तरीके से एक सर्किल है ना। अब ये कह रहा कि देखिए यहाँ पे अगर डॉटेड पार्ट है इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन इस पे आया है, जब ये पेपर ओपन होगा तो एक सर्किल आपको क्या दिखेगा, बोलिए एक सर्किल आपको दिखेगा यहाँ पे है ना। उसी तरीके से एक सर्किल आपको दिखेगा यहाँ पे, उस तरह से एक सर्किल आपको यहाँ दिखेगा, उस तरह से एक सर्किल आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए चेक करिए सभी लोग। सर ऑप्शन नंबर बी और डी में थोड़ा सा ही मार्जिन है। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, सर बी और डी में हल्का सा मार्जिन क्या है, बस यहाँ पे सर बाकी सबकी पोजीशन सेम ही है, उन्होंने सेंटर में भी एक सर्किल ले दिया है और सेंटर में यहाँ सर्किल तो है नहीं कि जो वहाँ पे शो करेगा। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन होगा बी, हल्का सा भी अगर आप चूके समझ लीजिए तुरंत आपका आंसर डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो राइट नाउ फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कंप्यूटर जी 24th क्वेश्चन। अरे वाह, क्लॉक का क्वेश्चन आया और एंगल बनाने के लिए, याद आया फंडा। सर एंगल निकालने के लिए कहानी बताई गई थी कि मिनट को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आर को 60 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर देना, यही था। तो चलिए 2:30 है, इसका मतलब मिनट की वैल्यू कितनी है, 30 है, 60 टू आर की वैल्यू 2 है और दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर देना। ये हो गया सर 330, ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2, बोलिए 0, 1 और 2, 210 को 2 से जब डिवाइड किया तो
तो वैल्यू आ गई 105 डिग्री। इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, इसका मतलब यही आपका आंसर होना चाहिए 105 डिग्री। देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका मतलब कि 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ये सेम तरीका था, ये डिफरेंस का सिंबल है। डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस लेस। जो पहली बार देख रहे हैं क्या करना है, ये एम का मतलब मिनट है, एच का मतलब आर है, दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया जब, तो मल्टीप्लाई कर जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो, ये बड़ी हो तो इस को घटा दीजिए, ये बड़ी हो तो इस को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू किसी भी केस में आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव तभी नहीं आएगा जब आप बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है, क्लियर फंडा। चलिए कंप्यूटर जी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। ये तो मैट्रिक्स है भाई, पक्की बात है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मुझे पता करना है किस वर्ड का विद का पता करना है, और यहाँ पे देखिए विद का पता करना है। रुक जाइए कंप्यूटर जी, अभी मत स्लाइड लगाइएगा, अगली वाली कह रहा है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। टी के लिए देखिए 57 लिखा है, टी के लिए 57, तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि कुछ कैसे हमें मूवमेंट करनी। चलिए कंप्यूटर जी स्लाइड लगा दीजिए जल्दी से। 57 पहले चेक कर लीजिए, 57 कैसे आ सकता है। सर पहले मैं तरीका बताया गया था कि जो दहाई वाला अंक है वो चलना है हमें लेफ्ट से राइट, और इकाई वाला अंक चलना है ऊपर से नीचे। अगर यहाँ पे टी आ गया तो इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। चेक करिए, 5 चलना है लेफ्ट से राइट और 7 चलना है टॉप टू बॉटम, और देखिए टी ही आ रहा है। इसका मतलब कि दहाई वाला अंक बाएं से दाएं, इकाई वाला अंक ऊपर से नीचे, टेंस वाली फिगर है लेफ्ट टू राइट, और वंस वाली जो फिगर है वो टॉप टू बॉटम। इसी तरीके से पता करना विद का। तो चलिए भैया पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 11। चेक करिए 11 पे, सर 1 इधर से 1 इधर से, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन में 11 पे आपका W आ रहा है। चलिए सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन में I के लिए क्या लिखा हुआ, 21। 2 चलना है देखिए लेफ्ट से राइट, चलिए, और 1 चलना है ऊपर नीचे, I भी आ रहा है। इसका मतलब कि सर 21 भी सही कोड है I के लिए। अब देखिए T के लिए क्या लिखा गया, 85, ये सही आता है इसलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। 85 सेकेंड मैट्रिक्स में जाइए, 8 चलना है बाएं से दाएं और 5 चलना है ऊपर नीचे, क्या बात है सर। टी के लिए भी सही, अगर एच के लिए भी आ गया तो बल्ले बल्ले भाई मजा आ जाएगा। चलिए देखिए 66 चलना है आपको लेफ्ट से राइट और 6 ही चलना है ऊपर से नीचे, एच भी आ रहा है, तो भैया मुझे किसी और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली यही रहा होगा सभी का। आज जिनके 25 से 25 आए कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके जरूर बताएंगे कि सर आज मेरा 25 से 25 आया, 24 आया, 23 आया, या कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पुट करिए। अगली क्लास में हम लोग उसी के स्लाइड को लेके ही आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये था भैया मॉक टेस्ट नंबर 23, और होपफुली मज़ा आया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मज़ा आ रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं साथ साथ तो आपको ज़्यादा मज़ा आना चाहिए कि क्वेश्चन हर कैटेगरी के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और देखते हैं कि मॉक टेस्ट नंबर 25 टॉपर सब आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तब तक देखते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन को, मुस्कुराते रहिए, जितना स्पीडली जितने स्माइलिंग फेस से आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी रीजनिंग पर आपको कमांड हो सकती है, क्योंकि बिना मूड को फ्रेश किए हुए जब तक दिमाग फ्रेश नहीं हो तब तक रीजनिंग पे कमांड नहीं है। सीरियस होकर मत पढ़िएगा भाई, सीरियस होकर पढ़ेंगे तो कहानी कुछ और बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, एकदम फ्रेश माइंड से रीजनिंग को सॉल्व करिए और देखिए क्या अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन पा रहा। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपके डाउट्स या जो कमेंट्स आप पोस्ट करेंगे उसके साथ, नहीं तो कुछ मॉक टेस्ट नंबर 25 के साथ, 24 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास।